नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, सुबह की पूजा हो चुकी है और आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। अब चलते हैं किचन में। तो ये मेरे चाय के बर्तन रखे हैं सुबह के, और आज नाश्ते में बनेंगी आलू की कचौड़ियाँ। तो मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं, और ये देखो मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, क्योंकि नमक का आटा है ना, फिर थोड़ा खिंचा खिंचा सा हो जाता है ना, इसलिए मैंने पहले गूंथ के रखा। और ये मैंने छौंक तैयार कर रखा है पिट्ठी के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी अभी हो रखा है सुबह का समय, आज हमारे घर में फिर से बनेगी आलू का क्या बनेगा, कचौड़ी। आज कचौड़ी खाने की फरमाइश है, कचौड़ी बनाओ। तो बस मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं, छौंक मैंने आपको दिखाई दिया कि छौंक मैंने तैयार कर रखा है, आटा भी गूंथ के रखा हुआ है। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ, तो नहा धो गए, पूजा हो गई, आधा काम हो गया किचन का, थोड़ा सा बाकी है, आलू कसने हैं और कचौड़ियाँ बना के देनी है। तो चलिए लगते हैं अपने इस काम पे, नाश्ता काम फिनिश करते हैं। बच्चे अभी सोए हुए हैं, अभी उनको उठाएंगे, पहले मैं बनानी स्टार्ट कर दूँ, फिर उनको उठाते हो कि जल्दी जल्दी खड़े हो, हाथ मुँह धो, चलो, क्योंकि नहाएंगे तो नहीं उठते हैं, थोड़ी देर बाद नहाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में, पहले मैं तैयारी कर लूँ खाना बनाने की, ये चाय, ये कचौड़ियाँ। तो आ जाइए सब खाने के लिए। बच्चों को उठाया जा रहा है, बच्चे अभी उठे ही नहीं, तो हम बना के रख देंगे, जब बच्चों का दिल करेगा तो खा लेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो रखा है दोपहर का समय, तो नाश्ता पानी सब हो गया, उसके बाद ये लगे थे कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर लगा रखा है मनी प्लांट ना, जाली पे, मतलब छज्जे पे लगा रखा है बाहर की तरफ, तो ये ना जमीन तक लटका हुआ था, बाहर सड़क पे से बस थोड़ा सा ही टच होने वाला था, इतना सा बचा हुआ था, थोड़ा सा टच होने वाला था, मतलब टच होने वाला था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, क्या बोलती हैं यार कभी कभी मैं भी ना। तो बस ये कटिंग कर रहे थे, तो ये देखो मैंने इनसे बोला था कि नीचे फेंक दो, बच्चे उठा लेंगे, बच्चे तो हैं ही बाहर गली में, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, काट रहे थे और मुझे देर से के लिए पकड़ ले। इनको नीचे काट दो, उठा लेंगे बच्चे। और कहीं उठा लेंगे अपने आप ही। अभी जाके ऊपर लगा दोगे हैं? थोड़ा मेरी दाल ना जल जाए कहीं। छोड़ ले जाए, ले जाओ इसको भी। सारे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा खाना, दाल और चावल, आप लोग भी खा लीजिए। उड़द चने की दाल बनी है और चावल बने हैं। और बस खाने के बाद बहुत तेज की नींद आई, खाना खाया, बर्तन भी साफ नहीं करे, बर्तन खाली भी नहीं करे, और मैं तो सो गई। मैंने कहा पहले सो जाओ, क्योंकि जब नींद आए ना तो सो जाओ, मेरा तो यही रूल है कि भैया जब नींद आए तो सो जाओ, काम तो होते रहेंगे, नींद कहीं उजड़ गई ना और चली गई तो वो नहीं आने वाली वापस जल्दी से, इसलिए मैं तो पहले सो जाती हूँ। और यहाँ पे अभी सो करके उठी हूँ, तो सोना बोली मेरे को ना ब्रेड सेक के दो मेयोनीज लगा करके, क्योंकि उसने तो दिन में खाना खाया ही नहीं, बस कचौड़ी वचौड़ी खाई थी, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को देती हूँ ब्रेड सेक करके। तो मैं उसको ब्रेड सेक के दे रही थी, और उधर मैंने चाय रखी हुई थी बनने के लिए, और ब्रेड में मैंने लगाई थी मेयोनीज, और उसको क्या हुआ, मेयोनीज रखी थी फ्रिज के अंदर ना, तो वो थोड़ी ठंडी हो रखी थी, जब मैंने लगाई तो ब्रेड भी ऊपर से ठंडी हो गई। मैं जब तक उसको देख करके आई, तो आई वापस मेरे पास किचन में, कह रही मम्मी क्या है, ऊपर से ठंडी है, नीचे से गर्म है, ऐसे पूरा गर्म करके दो। फिर मैंने उसे फोल्ड करके उसे गर्म करके दिया। मैंने कहा ये ले भैया, इतने नखरे ये करती है ना, बस पूछो नहीं, सबसे ज़्यादा नखरे इसी के होते हैं हमारे घर में, और पूरे भी होते हैं इसके नखरे ना, ऐसा नहीं कि पूरे नहीं होते, पूरे भी इसी के नखरे होते हैं, बाकी सबको तो मैं टाल देती हूँ, चलो हटो खुद से कर लो, मैं नहीं कर रही, लेकिन इसको तो फिर करके देना ही पड़ता है, छोटी है ना अभी इसलिए। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है, और मेरी शाम की पूजा भी हो गई है इस बीच, क्योंकि आधे आधे काम करे ना मैंने फटाफट से, तो शाम की पूजा भी कर ली है, चाय बन गई, अभी करूँगी बर्तन साफ, क्योंकि दोपहर के सारे बर्तन ना ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा रखा है मैंने, सारे खाए पिए के बर्तन दोपहर के ऐसे ही हैं, और मैंने बर्तन खाली भी नहीं करे बड़े वाले, क्योंकि सो गई ना इसलिए। तो थोड़े दाल चावल बचे हैं, वो मैं सोना को खिलाऊंगी, क्योंकि सोना ने खाना नहीं खाया, और तो अब सोना खाएगी हमारे साथ बैठ करके दाल चावल। तो चलिए फ्रेंड, जो भी वीडियो देख रहा है और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जी देखिए पूरा वीडियो। Thank you.
Steps, you know that.